सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी अभी मुझे पोस्ट ऑफिस से एक फ़ोन आया है कि आपका जॉइनिंग लेटर आ चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ोन में तो कब के आ गया था, खाली ये पोस्ट ऑफिस में आना ज़रूरी था। तो अभी यहाँ से फ़ोन आ गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में अपना जॉइनिंग लेटर लेने। तो यहाँ पर लिखा है कि कहाँ से आ रखा है, ये आया है महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, ये आया है BASF की तरफ से। BASF मैं मेरा जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मैं हुआ है, इसको हिंदी में हवलदार मंत्रालय कहते हैं, या आप अपर डिविजनल क्लर्क कह सकते हैं, क्योंकि हम मंत्रालय में जॉब करेंगे हम, जिसका हेड क्वार्टर होता है वहाँ। और उत्तराखंड के नौकरी के हिसाब से तो ये वरिष्ठ कनिक सहायक है। सो आप इसको खोलते हैं, और तू आ रही है, मैं खोलूँ इसको एंड तेरे ब्लॉग नहीं चल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटे का कॉल लेटर आ गया है। बधाई आपको बहुत बहुत। किटू हमारा कॉल लेटर आ गया, खुश है तुम्हें? खुश है नहीं तो बता। तो ये है बेटे का कॉल लेटर, बहुत बहुत बधाई। सो गाइज मैं मुझे जो है 28 तारीख को रिपोर्ट करना है, तो मैंने जो है 27 तारीख की फ़्लाइट बुक कर दी है। सो ज़िंदगी में पहली बार मैं हवाई जहाज़ में जाऊंगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से मुझे श्रीनगर जाना है। श्रीनगर में मेरा मेडिकल होगा, खाली बेसिक बाहर बाहर से, उसके बाद हमको मध्य प्रदेश में भेजेंगे, वहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की। सो आप 27 तारीख को फ्लाइट में बैठेंगे दिल्ली से, और वो 1.5 घंटे में श्रीनगर पहुँचा देती है। सो गाइज मेरा कॉल लेटर तो आ चुका है, और ये आज वीडियो बना रहा हूँ फिर से अगले दिन की। तो आज मुझे फिर से पोस्ट ऑफिस कॉल आया, और आज ये आ रखा है, इसमें भी ऊपर से लिखा है भारत सरकार सेवार्थ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है भारत सरकार सेवार्थ। तो ये चीज़ पता नहीं क्या है, कॉल लेटर तो आ चुका है, ये पता नहीं क्या रखा है फिर से, तो अब खोलना पड़ेगा इसको। अच्छा डी एल एड का आ रखा है, तो गाइस मैं दूसरा था डी एल एड का, वो चीज़ आ रखी है। तो जो मेरा टीचर का निकला हुआ है उस चीज़ का है। तो इसमें लिखा है कि 26 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप वहाँ पंजीकरण करा ले भीमताल में, लेकिन मैं नहीं कराऊँगा क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। कार तो मलत लूँगा हरक फाड़ फूड़ में। टेस्ट तो यही है, अरे चिकन था। तो खेत से आने के बाद हमारा हमने कर दिया नाई नाई, और यहाँ बच्चे लोग कर रहे हैं नींबू सान रहे हैं। स्टाफ वाले तुम हो नहीं? अरे वहाँ से खींचे, यहाँ तो स्टाफ वाले होते तुम मेरे, अभी छोटे मोटे स्टाफ वाले होंगे। भाई केले के पत्ते छोड़ो या टिमली के पास छोड़ो, चले जाओ यहाँ बैठे मत रहो। गोलू और ये लोग इधर, और ओए उधार लाया रे, पूरा पेड़ कर देंगे। तो भानु ने अपने बड़ा पत्ता तोड़ दिया है, तो ये सो रहे हैं भात जैसा खाना है, लेकिन इनको क्या पता, दो दो तीन टुकड़े मिलते हैं बस, इतना सा कुल है। ये लोग बड़े बड़े पत्ते तोड़ के सोच रहे हैं कि ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारी पड़ी हूँ, तो आप चखेंगे और जाते रहो। जा इधर भी देखना, अभी बचे हैं बहुत। चलो चलो मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मैं चले गए नहीं सकते, बांट दी थोड़ा। अब कोई मान ना, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।